आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टेड मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके पहले दो क्लास हो चुकी है, ये इसकी तीसरी क्लास है। अगर आपने इसके पहले की क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0.047 को आपको मल्टीप्लाई करना है 52.4982 से, और इसको इसका जो आंसर होगा उसको 4 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है। तो किसी भी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने से पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं ये क्वेश्चन इसका पहले लेक्चर में हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर आप जाके देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। 0.47 इंटू 52.4982 को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना होता है, राइट साइड वाला जो नंबर्स होता है उसमें एक अंक के बाद आपको पॉइंट को रखना होता है। जैसे यहाँ पर 52.4982 है तो ये पॉइंट को उठाकर 5 के बाद रखना है, जस्ट एक अंक के बाद रखना होता है। तो एक अंक के बाद रखने के लिए इस पॉइंट को लेफ्ट साइड आपको एक अंक शिफ्ट करना होगा। तो जितना अंक आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे उतना ही अंक आपको लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होता है। जैसे आपको यहाँ पर 5 के बाद पॉइंट को लगाना है तो उसके लिए आपने इसको लेफ्ट साइड एक अंक शिफ्ट किया, तो इसको लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को एक अंक राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो राइट साइड शिफ्ट करोगे तो 4 के बाद पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 5 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। तो सबसे पहला काम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद आपको क्या करना है, 4.7 लिखना है और उसके नीचे ये वाले नंबर्स को लिखना है, 5.24982 को लिखना है। ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है वो एक सीधा में होना चाहिए, ये एक सीधा में पॉइंट को रखना है। और चाहे आप 7 के बाद कोई नंबर्स नहीं है तो 00 दे दीजिए। आपको आंसर जो निकालना है वो 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, मतलब जो आंसर होगा उसको 4 दशमलव स्थान तक निकालना है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जितना दशमलव स्थान तक बोलेगा, जैसे 4 डेसिमल प्लेस बोला है तो एक एक्स्ट्रा, जैसे 4 बोला है तो 5 तक रखेंगे, 5 बोला है तो 6 तक रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेस तक बोला है तो अब एक एक्स्ट्रा रखेंगे, मतलब 5 डेसिमल प्लेस तक, 1 2 3 4 5। तो 5 डेसिमल प्लेस तक रखना है और उसके बाद बाकी नंबर्स को काट देना है। तो बाकी यहाँ नंबर है नहीं, तो कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर 00 दे दिया। अब इसको इंटू कैसे करना है आइए देखो। सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो 5 इंटू 0, 0 हो गया, यहाँ पर लिख दो 0। उसके बाद 5 इंटू 0, फिर से 5 इंटू 0 करेंगे तो आएगा 0, ये वाला 0 हो गया ये वाली, फिर 5 से इस 0 को करेंगे तो 0, फिर 5 से 0 करेंगे 0, मतलब 5 से 4 बार 0 को इंटू करने पर 4 तो 0 आ गया। फिर 5 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 7 या 35 का लिखेंगे 5, 3 इन हैंड, 3 बच गए हाथ में। अब 5 इंटू 4 20, और ये वाला 3 बचा हुआ था 23, तो ये 23 हमने लिख दिया। और याद रखना है आपको पॉइंट को एक सीधा में लिखना है, जहाँ पॉइंट है वहीं पर आप पॉइंट लगा देना। इतना करने के बाद आपको ये वाले नंबर्स को काट दीजिए और इधर से एक नंबर काट दीजिए, इधर से लेफ्ट साइड से नीचे वाले नंबर में लेफ्ट साइड से एक नंबर काट दीजिए और ऊपर वाले नंबर में राइट साइड से एक नंबर काट दीजिए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको 2 से करना है, 2 से जितना नंबर से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 0 0, ये 2 को 0 0 0 3 बार करना है, तो 3 टू 0 आ जाएगा, 1 2 3 टू 0 आ गया। अब 2 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 7 14 का लिखेंगे 4 लिख दिए, अब बच गया 1। फिर 2 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 8, और ये 1 था 9, यहाँ लिखेंगे 9। अब इधर आगे कोई नंबर नहीं है और पॉइंट जहाँ था उसी का सीधा में पॉइंट लगा दीजिए, आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 0 लगा दीजिए या फिर छोड़ दीजिए चलेगा। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया, तो 2 को काट दो, ऊपर से भी एक नंबर काट दीजिए। अब नेक्स्ट है 4 से मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर्स को। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे,
फोर से 0 0 दो टू जीरो है, तो दो टू जीरो को करेंगे तो 0 आएगा, 0 0 ये आ गया। अब 4 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 7 28, 28 का लिखेंगे 8 और 2 बच गया, फिर 4 × 4 16 और ये 2 बच गया था 18, तो ये लिख देना 18। 18 के बाद फिर कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगा दीजिए और आगे 0 लगा दीजिए या छोड़ दीजिए चलेगा। तो इसका वैल्यू हो गया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, इधर से 4 काट देंगे ऊपर से एक अंक काट देंगे। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 0 0 आएगा, ये हो गया 0। उसके बाद 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 7 63, 63 का 3 लिखेंगे, 6 बच गया। फिर 9 × 4 36 और ये बचा 6, 42, तो ये 42 लिख दिए। और आगे कोई नंबर्स नहीं है तो 0 0 लगा दीजिए, नंबर्स खत्म हो जाएगा तो 0 0 लगा देना, पॉइंट यहाँ पर लगा दिए। अब ये 9 से भी मल्टीप्लाई हो गया सारे नंबर्स में, तो यहाँ नीचे एक नंबर काट दो ऊपर एक नंबर काट दो, ध्यान रखना है इधर लेफ्ट साइड से काटना है, इधर राइट साइड से एक एक नंबर काटते जाना है जब कंप्लीट होगा। तो फिर अब 8 से मल्टीप्लाई करना है इन सबको, तो 8 × 7 8 × 7 56, 56 का 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 बच गया हैंड में, 8 × 4 32, 32 और 5 37, तो आप लिख दो 37, 37 लिखे। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो 0 0 लगा दीजिए और ये जहाँ पर पॉइंट है उसी का सीधा में पॉइंट लगा दीजिए और आगे 0 लगा दीजिए, कोई भी नंबर नहीं होगा तो वहाँ पर 0 लगाएंगे। अब 8 से भी यहाँ ख़त्म हो गया, ऊपर एक नंबर नीचे एक नंबर काट देंगे। अब बच गया 2, तो 2 से सीधे 4 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, कटा हुआ जो पहला नंबर है ना फर्स्ट नंबर उससे पहले मल्टीप्लाई करके देखना है कि कैरी कितना आ रहा है। तो 8 2 × 7 2 × अगर 7 करेंगे तो 14 होता है, और 14 का कैरी कैसे देखते हैं, देखिए ये फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको लिखना है और सेकंड नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके लिए एक नंबर 1 जोड़ते हैं, तो ये 5 से छोटा है इसलिए उसका वैल्यू 0, 5 से छोटा रहेगा तो 0 और 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसका वैल्यू 1, तो कैरी हो गया 1। ये कैरी कैसे लिया जाता है पहली क्लास में हो चुकी है, तो आप वहाँ पर एक बार देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये हो गया 1, कैरी 1। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 2 × 4 8 और 1 कैरी था 9, तो ये लिख देना है 9, तो 9 हो गया। अब कोई नंबर है नहीं तो आगे 0 0 लगा दीजिए और जहाँ पर पॉइंट है उसी का सीधा में पॉइंट लगा दीजिए, मल्टीप्लिकेशन खत्म, 2 का इससे खत्म हो गया। अब आगे कोई भी नंबर्स नहीं है, तो आगे कोई भी नंबर्स नहीं है तो इसको टोटल कर देना है, जोड़ देना है सबको, जब जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 24.67415। लेकिन आपको आंसर में क्या करना है कि 4 डेसिमल प्लेस तक ही दिखाना था, तो डेसिमल के बाद 4 अंक तक दिखाना है, पॉइंट के बाद देखो 1 2 3 4, 4 के बाद बाकी नंबर्स को काट दीजिए, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 24.674 और कटा हुआ पहला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो बगल में एक जोड़ते हैं, तो 5 है तो बगल में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 24.6742। This is your final answer. Question number 4. Question number 4 में बोला है 0.008945 को मल्टीप्लाई करना है 0.007854 से, और आंसर जो होगा उसको 5 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है, मतलब जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद 5 अंक तक दिखाना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले ये क्वेश्चन को लिखेंगे, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखे हमने 0.008945 × 0.007865 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जाता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलेंगे,
राइट साइड वाले नंबर्स को पहले देखेंगे। राइट साइड वाले नंबर्स को देखेंगे कि पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट कहीं भी हो उसको उठा के एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद रखना होता है, जिससे सिग्निफिकेंट मतलब होता है सात तक। नॉर्मल जो काउंटिंग का नंबर होता है, गिनती का नंबर होता है, उसको सार्थक अंक बोलते हैं। तो एक सार्थक अंक के बाद रखना है, यानी कि सात के बाद पॉइंट को रखना है। तो सात के बाद रखने के लिए इसको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, एक दो तीन अंक, तीन अंक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जितना अंक इसको शिफ्ट कर रहे हैं उतना ही अंक लेफ्ट साइड वाले नंबर्स में अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना होता है। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, तो ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड तीन अंक शिफ्ट होगा। पॉइंट के बाद 0089 है, तो इस पॉइंट के पहले तीन ठो नंबर आएगा, तो तीन नंबर तो कुछ है नहीं, तो इसलिए 00 लगा दीजिए। इस पॉइंट के पहले तीन टू जीरो और ये दो टू जीरो, टोटल पाँच टू जीरो हो जाएगा पॉइंट के बाद। तो पॉइंट 00000 इधर अगर आप इस तीन ठो जीरो लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, तो एक दो तीन चार पाँच, तो इधर तीन और ये वाला दो, टोटल पाँच टू जीरो आ जाएगा पॉइंट के बाद। उसके बाद 89456 इंटू यहाँ पर पॉइंट आएगा सेवन के बाद, तो सेवन के बाद लिखेंगे 8654। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद इसको अरेंज करके लिखिए। ये वाले नंबर्स को ऊपर लिखेंगे और ये राइट साइड वाले नंबर्स को नीचे लिखेंगे। और ध्यान रखना है कि पॉइंट जो है वो एकदम सीधा में होना चाहिए। अब ऊपर वाले लेफ्ट साइड वाले नंबर्स को ऊपर लिखें, राइट साइड वाले को नीचे लिखें। इसके बाद क्या करना है, आपको बोला है पाँच डेसिमल प्लेस तक आंसर निकालना है। तो पाँच डेसिमल प्लेस अगर आंसर बोलता है तो हम एक एक्स्ट्रा लेंगे, जितना भी बोले तो उसका एक एक्स्ट्रा लेना होता है। तो सिक्स डेसिमल प्लेस तक लेंगे, तो डेसिमल के बाद सिक्स नंबर काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6, और सिक्स के बाद बाकी बचे हुए नंबर्स को काट दीजिए, बाकी नंबर्स की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने में क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे और कटा हुआ पहला नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग कैरी निकालेंगे। तो 7 इंटू 9 करेंगे 63 का कैरी होगा। देखिए लेफ्ट साइड मतलब फर्स्ट नंबर है उसको लिखते हैं, और सेकंड नंबर के लिए क्या करते हैं, पाँच या पाँच से बड़ा हो तो उसमें एक जोड़ देते हैं। तो पाँच से बड़ा तो है नहीं, ये हो जाएगा इसका कैरी 6। अब 7 से इसको मल्टीप्लाई करते जाओ एक एक करके सबसे। तो 7 इंटू 8 56, और ये जो कैरी 6 था उसको भी जोड़ देंगे 62। तो 62 का लिखेंगे 2, ये रहा 2। फिर आपको लिखना है 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, और ये 6 बचा था कैरी 6, लिख देंगे 6। अब 7 इंटू 0000 4 बार 1 2 3 4 जीरो से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो 4 बार 0000 आ जाएगा 1 2 3 4, और ये पॉइंट एक सीधा में रहेगा। तो जहाँ पर पॉइंट है उसी सीधा में पॉइंट लगा दो, अब ये कोई भी नंबर नहीं है तो 0 लगा दिए अपने मन से। तो 7 का मल्टीप्लीकेशन इन सारे नंबर से होगा, तो 7 से हो गया, तो 7 को काट दीजिए और ऊपर एक नंबर काट दीजिए। ऊपर राइट साइड से एक नंबर काटते जाना है, नीचे लेफ्ट साइड से एक नंबर काटते जाना है। अब 8 से बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करने से पहले कटा हुआ जो फर्स्ट नंबर है उससे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 इंटू 8 64 का कैरी कितना होगा, फर्स्ट नंबर को लिख दीजिए, और सेकेंड नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके लिए 1, तो 5 से छोटा है इसलिए 0, तो इसका कैरी हो गया 6। ये सिर्फ कैरी पता करने के लिए मल्टीप्लाई किया जाता है कटा हुआ नंबर से। अब 7 से बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाकी तो सारे नंबर 0 है, तो 7 इंटू 0 हो जाएगा, और 0 और इधर 6 कैरी बचा हुआ था उसको जोड़ देंगे, लिखेंगे 6। 8 से अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 0 0, और ये जो 6 बचा था कैरी उसको जोड़ देंगे 6, तो ये वाला हो गया 6। अब 8 से बाकी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0000 आते जाएगा, 0000 लगाते जाओ, और जहाँ पॉइंट है उसी सीधा में एक तो पॉइंट लगा दीजिए। तो इधर 8 से भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर ऊपर एक नंबर काट दीजिए। अब बाकी जो बचा हुआ 6 5 4 इन सब से भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं, सब कुछ 0000 है। तो इन सब नंबर्स को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0000 ही आएगा। तो अगर 6 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0000 आते जाएगा, फिर हम 0000 आएगा,
तो अब आगे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आगे फिर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो फिर से 0 0 आएगा, इसलिए हम आगे नहीं कर रहे हैं। अब इन सारे नंबर्स को कर दीजिए टोटल। टोटल जब करेंगे तो टोटल करेंगे तो आएगा 0.00068, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन फाइनल आंसर में क्या करना होता है, आपको बोला है कि 5 डेसिमल प्लेस तक आपको आंसर निकालना है। तो डेसिमल के बाद 5 नंबर तक लेना है, 1 2 3 4 5, और बाकी नंबर्स को काट दीजिए। अब क्या करना है फाइनल आंसर में, 0.0000 कटा हुआ नंबर, कटा हुआ पहला नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके लिए बगल में 1 जोड़ते हैं। तो 5 से बड़ा है 8, तो क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करना है, 953.6843 को मल्टीप्लाई करना है 18.678 से, और इसका आंसर जो होगा वो 1 डेसिमल प्लेस तक निकलना है। इसका मतलब है कि आंसर के बाद डेसिमल के बाद एक अंक ही रखना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो ये वाले नंबर हमने यहाँ पर लिखा और इस नंबर को यहाँ पे लिखा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए राइट साइड वाले नंबर्स को पॉइंट जो है उसको एक अंक के बाद रखना होता है। तो एक के बाद अगर रखेंगे तो इसको लेफ्ट साइड 1 अंक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जितना अंक शिफ्ट करोगे इसको लेफ्ट साइड, उतना ही अंक इसको राइट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा लेफ्ट वाला नंबर्स को। तो इस अंक को राइट साइड शिफ्ट कीजिए 1 अंक अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो 6 के बाद लगेगा, यानी कि 953.6843, और यहाँ पर पॉइंट लगेगा 1.8678। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना कहते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए, अब लेफ्ट वाले नंबर को ऊपर लिख दो, राइट वाले नंबर्स को नीचे लिख दो। लिखने के बाद ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है वो बिल्कुल एक सीधा में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बोला है कि जो आंसर होगा उसको 1 डेसिमल प्लेस तक दिखाना है, मतलब जो आंसर होगा उसमें डेसिमल के बाद एक अंक रखना है। तो जितना भी बोलेगा उससे एक एक्स्ट्रा रखते हैं। जैसे 1 डेसिमल बोला है तो हमने दशमलव के बाद 2 अंक रखेंगे, 1 2, और बाकी नंबर्स को काट दीजिए। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो इधर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और इधर राइट साइड से। 1 से पहले कटा हुआ नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 1 इंटू 3 3 होगा, 3 का कैरी होता है 0। 5 से अगर छोटा रहता है तो उसके लिए 0, और 5 या 5 से बड़ा रहता है उसके लिए 1 होता है, तो इसका कैरी हो गया 0। अब 1 से बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 1 इंटू 4 आएगा 4, ये रहा 4। फिर 1 इंटू 8 1 इंटू 8 8, ये रहा 8। फिर पॉइंट है यहाँ पर, तो उसका सीधा में पॉइंट दीजिए। फिर 1 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से 6, 1 इंटू 3 3 1 इंटू 5 5 1 इंटू 9 9। तो 1 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर 1 को काट दो और इधर 4 को काट दीजिए। अब क्या करेंगे, 8 से बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले 8 को कटा हुआ पहला नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 4 8 इंटू 4 32, 32 का कैरी कितना होगा, ये रहा 3, और ये 5 से 5 से छोटा है तो उसके लिए 0, 3 कैरी हो गया 3। अब 8 को बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इंटू 8 8 इंटू 8 64, और कैरी था 3, 67 67 का लिखेंगे 7, 6 इन हैंड। फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 8 इंटू 6 करेंगे तो 48, और ये रहा 6, 54 54 का लिखेंगे 4, 5 बच गया। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 8 इंटू 3 24, और ये रहा 5, 29 29 का लिखेंगे 9। पॉइंट जहाँ पर है उसी सीधा में पॉइंट लगाएंगे,
बच गया, फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 8 × 5 40, और ये 2 बच गया था 42, 42 का लिखेंगे 2, 4 बच गया, अब 8 × 9, 8 × 9 72, 72 और 4 बच गया था तो ये हो गया 76, तो लिख दो 76 खत्म। अब 8 से आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो 8 को इधर काट दो और ऊपर से एक नंबर काट दीजिए। अब हम लोग करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 से मल्टीप्लाई करने से पहले, बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले कटा हुआ नंबर से करेंगे, तो 6 × 8 कटा हुआ पहला नंबर है 8, 48, 48 का कैरी पता करने के लिए इसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये हो गया 4, और ये सेकेंड नंबर 5 या 5 से बड़ा हो तो उसके लिए होता है 1, 5, तो सिर्फ कैरी पता करने के लिए कटा हुआ नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो कैरी हो गया 5। अब 6 से बाकी रिमेनिंग नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 1 by 1, 6 × 6, 6 × 6 करेंगे 36, और ये 5 बचा हुआ था 41, 41 का लिखेंगे 1, ये 4 बच गया हैंड में, फिर 6 × 3, 6 × 3, 18 और बच गया था 4, 22, 22 का लिखेंगे 2 इन हैंड, फिर लिखेंगे 6 × 5, 6 × 5, 30 और ये 2 बच गया था, 32 हो गया, 32 का लिखेंगे 2 ये, और 3 बच गया, अब 6 × 9, 6 × 9 54, और ये 3 बच गया था 57, तो ये रहा हमने 57 लिख दिया। पॉइंट जहाँ है उसी सीधा में पॉइंट लगा देना है। अब 6 से भी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 6 को काट देगी और इधर भी ऊपर एक नंबर काट देगी। अब बचा 7, 7 से बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैरी पता करने के लिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 6, 42, इसका कैरी हो जाएगा ये 4, और ये बगल वाला नंबर 5 से छोटा है इसलिए इसका 0 मतलब 4, तो कैरी हमारा हो गया 4। अब आप 7 से सारे नंबर्स को 1 by 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 3, 7 × 3, 21 और ये 4, 25, 25 का 5, 5 हो गया। अब 7 × 5, 7 × 5, 35 और ये बच गया था 2, 37, 37 का लिखेंगे 7, 3 इन हैंड, अब 7 × 9, 63 और ये 3 बच गया था 66, 66 ये हो गया। अब 7 से भी सारे नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 काट दो, ऊपर से एक नंबर काट दो राइट साइड से। अब हम लोग 8 से सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 9 से, उससे पहले हम कटा हुआ नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कैरी पता करने के लिए। 8 × 3, 8 × 3 करेंगे 24, 24 का कैरी हो गया 2 और ये 4 5 से छोटा इसलिए 0, 2। अब 8 से 1 by 1 सबको मल्टीप्लाई करो, 8 × 5, ये वाले नंबर 5, 40, 40 और 2, 42, तो 42 का लिखेंगे 2, ये 42 का लिखेंगे 2। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 72 और ये रहा 4, 76, तो लिख दो 76, लिख 76 लिख दिए और पॉइंट जहाँ है उसी सीधा में पॉइंट लगा दो, तो ये 8 से भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर नंबर बचा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, नीचे नंबर नहीं बचना चाहिए, नीचे का नंबर ख़त्म हो गया, तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन भी ख़त्म हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, टोटल कर दीजिए, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पर यह आ रहा है 1781 2.89। अब हमको आंसर में क्या करना है, 1 decimal place तक आंसर रखना है, मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ 1 digit ही रखना है, तो क्या करोगे फाइनल आंसर में, 1781 2.89 है तो डेसिमल के बाद एक ही अंक रखना है, बाकी नंबर्स को काट दीजिए, कटा हुआ पहला नंबर 5 से बड़ा हो तो बगल में एक जोड़ देंगे,
यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट के बाद एट में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो ये आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। थैंक यू।